रिसर्च का दावा, 2050 तक भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश। मुस्लिमों की आबादी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी में अन्य सभी धार्मिक समूहों की तुलना में 30 की औसत उम्र के सबसे ज्यादा युवा हैं। इसी सप्ताह आई अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च में दावा किया गया है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी विश्व में सबसे अधिक लेकिन 30 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। रिसर्च में बताया गया कि वर्तमान इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, अभी भी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्रमुख धर्म है। हाल ही में जारी जनसांख्यिकीय आंकड़ों के मुताबिक इस सदी के अंत तक मुस्लिम आबादी ईसाइयों की आबादी से अधिक होने की उम्मीद है। प्यू रिसर्च के एक अनुमान के मुताबिक 2010 में दुनिया में 1.6 अरब मुसलमान थे, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 23% थे। 2050 तक मुस्लिम आबादी 73% की ग्रोथ के साथ हो जाएगी 2.8 अरब। 2015 की थिंक टैंक रिसर्च में बताया गया था कि मुस्लिम आबादी आने वाले दशक में 35% की दर से बढ़ेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 73% की दर के साथ 2.8 अरब हो जाएगी। हालांकि मुस्लिम विश्व की पूरी जनसंख्या में एक तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धार्मिक समूह है। रिसर्च के मुताबिक मुस्लिमों के बारे में बहुत से तथ्य हैं, जिसके कारण कुछ जगहों पर उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। अमेरिका में जो मुस्लिम आबादी रह रही है वह इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं या बेहद कम जानते हैं। थिंक टैंक रिसर्च के अनुसार वैश्विक मुस्लिम आबादी का 62% हिस्सा एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में निवास करती है। इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की में है। इस समय विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, जबकि यूरोप में मुस्लिम आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।